ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुंबई। मैं इस्लाम खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक शर्मनाक घटना घटी है, जहां एक टीचर ने 8 साल की बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार की है। ये घटना मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में घटी है। इस संबंध में मानपाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी अजीत कुमार साहू को अपने गाँव उड़ीसा भागने की तैयारी में ये था और उसे मानपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल्याण में रहने वाले टीचर अजीत कुमार साहू सामान्य ज्ञान की कोचिंग कक्षाएं लेता था। इस कोचिंग क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची क्लास से घर आने के बाद परेशान थी। जब उसकी मानसिक स्थिति परिवार के लोगों ने देखा और बच्ची से पूछताछ की, तो पहले बच्ची तो कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद रिश्तेदारों ने जब उसे विश्वास दिलाया, फिर उसके बाद बच्ची ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बच्ची के मुताबिक कुछ दिनों से टीचर उसके साथ गलत हरकतें करता था, जिससे वह परेशान थी। जिस क्लासेस से बच्ची जाती थी उसी क्लासेस से टीचर अजीत कुमार साहू बच्ची के साथ यौन शोषण किया करता था। लड़की द्वारा यह बात बताए जाने के बाद लड़की के परिवार मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने ने तुरंत संबंधित शिक्षक अजीत कुमार साहू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी। पुलिस उसके घर पहुंची। उस वक्त वह अपने गाँव उड़ीसा भागने की तैयारी में था। पुलिस अधिकारी सुनील तारमाले ने तुरंत उसे हिरासत में लिया। इस मामले में अजीत कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच एसीपी सुनील कुराड़े और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारी निशा चौहान द्वारा की जा रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई कि एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत सामने आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। बरोबर आहे। डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झालेला आहे। त्यातील आरोपीला ताबडतोब मानपाडा पोलीस स्टेशनचे सिनियर पी आय होनमाने आणि त्यांच्या डीबीच्या पथकाने ताब्यात घेतलेला आहे। आरोपी अजित कुमार साहू हा पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात असून सदर गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाने API अभिजित पाटील करत आहेत आणि सदर गुन्ह्याबाबत सखोल चौकशी करून पोलीस कस्टडी रिमांड घेऊन त्याचा सविस्तर तपास चालू आहे।